subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum aziz tulba talibat. सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मराठी राइटिंग स्किल 9th-10th मराठी वृत्तांत लेखन देखेंगे। आज हम बाल दिवस समारंभ के ये 14 नवंबर 2020 को होने वाला है, इसका वृत्तांत लिखना है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं वृत्तांत लेखन। फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, खैसर कॉलोनी, औरंगाबाद। बाल दिवस समारंभ, दिनांक 14 नवंबर 2020। प्रमुख पाहुणे माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेब, वक्ते श्री वाजिद अली खान साहेब। इसका उत्तर है दिनांक 14 नवंबर 2020 रोजी फातिमा विद्यालय नेहरू जयंती निमित्त बाल दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आले। यानी 14 नवंबर 2020 को फातिमा स्कूल में नेहरू जयंती के वजह से यौम अतफाल यानी बाल दिवस बहुत ही खुश उसलूबी से मनाया गया। मुख्याध्यापिका श्रीमती जोहरा जबीन यांच्या हस्ते पंडित नेहरू यांच्या प्रतिमेला हार घालण्यात आले। जो सदर मौलमा है श्रीमती जोहरा जबीन, इनके हाथ से पंडित नेहरू की तस्वीर पर फूल माला डाली गई। यावेळी गावातील मान्यवर मंडळी, शिक्षा वृंद व विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होत्या। इस वक्त गांव के बहुत सारे लोग, तलबा तालिबात, असातिजा बड़े पैमाने पर वहां पर मौजूद थे। यावेळी पंडित नेहरू यांचे जीवन चरित्र व कार्य या विषयावर मुलींचे वक्तृत्व स्पर्धा व निबंध स्पर्धा पार पडल्या। इस मौके पर पंडित नेहरू इनके जिंदगी के काम, इस मौजू पर एक तकरीरी मुकाबला और उसके अलावा मजमून नवेसी का मुकाबला हुआ। प्रमुख वक्ते श्री वाजिद अली खान यांनी पंडित नेहरू यांच्या जीवन चरित्रावर प्रकाश टाकला। जो मुखर्रर खसूसी थे वाजिद अली खान, उन्होंने पंडित नेहरू की जिंदगी पर रोशनी डाली। शेवटी उपशिक्षक खान मोहम्मद सुल्तान यांच्या आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली। और इस कार्यक्रम के आखिर में जो हमारे उप शिक्षक है खान मोहम्मद सुल्तान, इन्होंने लोगों का आभार माना। शाळेत जागोजागी पंडित नेहरू यांच्या लहान चित्राचा त्यांचे घोषणावाक्य व सुविचारांच्या पाट्या लावल्या होत्या। मदरसे में, स्कूल में हर तरफ पंडित नेहरू की तस्वीर और उनके अखवाल की पाटियाँ लगी हुई थी। शाळेतील वातावरण हर्ष व उल्लासमय झाले होते और मदरसे का यानी स्कूल का जो माहौल था वो बहुत खुशी से भर गया था। प्रमुख पाहुणे माननीय खासदार श्री इम्तियाज जलील साहेब यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की आपण आज श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेले अनेक कार्य लोकजीवनात अनुसरण करणे गरजेचे आहे। मेहमान खसूसी इम्तियाज जलील साहब ने अपनी तकरीर में ये बयान किया कि पंडित नेहरू की ज़िंदगी के जो काम है उसे हमने अपने अमल में लाना है। मुलींनी जीवनात सफलतेसाठी त्यांचे आदर्श घेऊन स्वतःच्या आयुष्यात कार्य करावे और लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए उनकी ज़िंदगी को आदर्श बनाना है पंडित नेहरू की और अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए। शाळेतील धाडसी व होतकरू मुलींना गुलाब पुष्प गुच्छ देऊन गौरविण्यात आले और जो स्कूल की मेहनती लड़कियां हैं उन्हें गुलाब के फूल दिए गए और फूलों के गुच्छे दिए गए। मुलींनी पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे आदर्श जीवनात अनुसरण करण्याचा निर्धार केला और लड़कियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो तालीमात है उसे ज़िंदगी में अमल में लाने का अहद किया। मुलींनी एकमेकांना गुलाब पुष्प देऊन बाल दिवस समारंभ संपन्न झाली और बच्चों ने एक दूसरे को गुलाब के फूल दिए और इस तरीके से जो यौम अतफाल है इस तकरीब का अख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।